लैंग्वेज सर्ट एक बेसिक इंग्लिश एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज एग्जामिनेशन है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप बाहर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन के लिए मूव करना चाहते हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरवा यासीन, फॉरेन इंटरव्यू इंस्ट्रक्टर आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज, एंड अलॉन्ग विद मी देयर इज उस्मान अशरफ, द आर्ट्स इंस्ट्रक्टर एंड द इंटरव्यूज कोऑर्डिनेटर एट द आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और रिक्वेस्टेड वीडियो भी है, बिकॉज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग पार्ट के बारे में। और उस्मान हमें बताएंगे कि लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग पार्ट की मॉड्यूल्स कितने हैं, क्या डूज एंड डोंट्स हैं, किस तरह के इन्वायरमेंट में हमें लैंग्वेज सर्ट स्पीकिंग देना चाहिए और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी। सो जी उस्मान, ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक बात क्लियर कर लेते हैं मरवा के लैंग्वेज सर्ट है क्या। लैंग्वेज सर्ट एक बेसिक इंग्लिश एग्जामिनेशन है, लैंग्वेज एग्जामिनेशन है जो आपको क्लियर करना पड़ेगा अगर आप बाहर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अपनी एजुकेशन के लिए मूव करना चाहते हो, तो आपकी यूनिवर्सिटी की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इंग्लिश क्राइटेरिया मीट करना है, इंग्लिश लैंग्वेज क्राइटेरिया, और ये इस एग्जाम के जरिए क्लियर होता है। तो यानी कि अगर आपको लैंग्वेज सेट के एग्जाम आप देते हैं और आप उसमें अपने रिक्वायर्ड मार्क्स, जितने यूनिवर्सिटी ने आपको क्वेश्चन किया कि हमें इतने मार्क्स चाहिए, आप उतने ले लेते हो, तो फिर आप एग्जाम क्लियर करके अपनी फॉरन एजुकेशन की तरफ, अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ आगे अपना प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। अब मरवा हम लोग बात ये करते हैं कि स्पीकिंग पार्ट सबसे ज्यादा मुश्किल, यानी कि स्टूडेंट्स के अंदर एक ये मिसकंसेप्शन है कि लैंग्वेज पार्ट, लैंग्वेज सर्ट का स्पीकिंग पार्ट बहुत डिफिकल्ट है और उनसे नहीं होगा, उन्हें प्रॉब्लम आती है, उन्हें फॉर्मेट का पता नहीं होता। तो सबसे पहले आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि स्पीकिंग पार्ट के चार पार्ट होते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री एंड पार्ट फोर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली पार्ट वन की। अगर पार्ट वन की बात की जाए मरवा, तो उसमें बेसिकली पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। मैंने से पर्सनल क्वेश्चंस, मेरा कहने का मकसद ये है कि आपको क्या चीज पसंद है, आपको क्या चीज ना पसंद है, आप एग्री करते हो, आप डिसएग्री करते हो, या आपका ओपिनियन वन वे और अनदर पर्सनली एसोसिएटेड होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप किसके साथ बाहर जाना पसंद करते हैं, अपने घर वालों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, सॉरी फ्रेंड्स के साथ, तो आपको उसका एक बड़ा सिंपल आंसर देना होता है कि जी मुझे अपने घर वालों के साथ जाना पसंद है। और आगे आप उसको वाई का आंसर करते हैं कि क्यों मुझे मेरे घर वालों के साथ जाना पसंद है। तो इट्स अ वेरी आई वुड से पर्सनल सॉर्ट ऑफ अ क्वेश्चन जो आपसे पर्सनली एसोसिएट करता है। इस तरह 3 से 4 सवाल होंगे आपसे, और इसकी बेहतरीन बात यह है कि वो पहले कैटेगरी का नाम ले लेते हैं। जी, आपको बताया जाएगा कि आपसे इस कैटेगरी के क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंगली और आप आंसर करने के लिए। सो दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट लैंग्वेज सर। यस, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहते हैं ट्रैवल, तो आपको पहले बताएगी कि मैं ट्रैवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन की कैटेगरी के अंदर क्वेश्चंस करने जा रही हूं, और फिर आप लोगों को उसके आंसर्स करने होंगे। सो उस्मान, ये पार्ट जो है वो कितने मिनट्स पे जो है वो बेस करेगा? अच्छा मरवा, अगर हम इस पार्ट को छोड़कर ओवरऑल स्पीकिंग की ड्यूरेशन की बात करें ना, तो वो एवरेज 15-16 मिनट्स तक जाता है। डिपेंडिंग कि आप एग्जामिनर को कैसा आंसर कर रहे हो, अगर आप बहुत ज्यादा स्लो आंसर करें तो ऑब्वियसली फ्लक्चुएट करेगा, अगर आप बिल्कुल ही नहीं आंसर करें तो हो सकता है एग्जामिनर नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करता जाएगा। तो इट समटाइम्स फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द पार्ट 2। ओके, अब हम लोग बात करने लगे हैं पार्ट टू की। वन ऑफ द मोस्ट जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम करता है, एक ऐसा पार्ट जो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, और मेजोरिटी में स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, एंड आई बिलीव जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उस बात से एग्री करेंगे, जिन्होंने एग्जाम दिया या जिन्होंने अपने फ्रेंड्स से ओपिनियन लिया होगा एग्जामिनेशन के बारे और में, जो हमारे पास भी स्टूडेंट्स आते हैं प्रिपरेशन के लिए, उनकी सबसे ज्यादा मेजर कंसर्न यही होता है कि मैम रोल प्ले या सर रोल प्ले सिचुएशन क्या है, जो कि पार्ट टू है बेसिकली। जी, ये बेसिकली मुकालमा है। अगर हम उर्दू में बताएं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो ये मुकालमा है, दो लोगों के बीच की बातचीत है। एग्जैक्टली, यानी कि इसमें ऐसा होता है मरवा कि सबसे पहले जब हमारा पार्ट टू स्टार्ट होता है, हमारा एग्जामिनर हमें बहुत अच्छे से क्लियर करता है कि हम लोग पार्ट टू स्टार्ट करने लगे हैं, और इसमें हम लोग एक रोल प्ले सिचुएशन करेंगे। उसमें वो आपको असाइन करता है कि आपका ये रोल है, मेरा ये रोल है, और उसके बाद वो आपको पूरी सिचुएशन भी क्लैरिफाई करते हैं कि हम किस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जामिनर हूँ और तुम वो स्टूडेंट हो जो एग्जाम दे रहे हैं, तो मैं अब आपको ये बोलता हूँ कि मैं बैंक मैनेजर हूँ, एंड आई टेल यू कि आप कस्टमर हो, और मैं आपको एक सिचुएशन बताऊंगा कि आप मेरे बैंक में आ रही हैं अपना अकाउंट खोलने के लिए। हमने इसके ऊपर क्या करना है, हमने इसके ऊपर मुकालमेबाजी करनी है, यानी कि हम दोनों इसके ऊपर बात करेंगे। आप मेरे बैंक में क्यों आई हो,
आप रिप्लाई करोगी जी मैं अकाउंट खुलवाने के लिए आई, मैं कहूंगा आपको किस टाइप का अकाउंट खुलवाना है, आप मुझे कहेंगे मैं ये सॉर्ट ऑफ द अकाउंट यू नो मैं खुलवाना चाहती हूँ, इस तरह की जो कन्वर्सेशन होगी ना पार्ट टू में। एक और मेजर चीज के जो इन्विजिलेटर है जो आपका जो स्पीकिंग लेगा वो आपको पहले बताएगा जो कि आपने जल्दी में इस चीज को जो है ना वो भूलना नहीं है, आपको बताया जाएगा आई स्टार्ट और यू स्टार्ट के बारे में। exactly. आई स्टार्ट का मतलब ये होगा कि इन्विजिलेटर स्टार्ट करेगा रोल प्ले सिचुएशन को, और यू स्टार्ट का मतलब होगा कि वो चाहता है कि आप इस सिचुएशन को स्टार्ट करें। yes. तो जो भी सिचुएशन होगी आपको उसके अकॉर्डिंगली ही रोल प्ले सिचुएशन को शुरू करना है। इफ ही सेज आई स्टार्ट Give him some time to start the role play situation. और अगर वो कहे you start, तो फिर आपको आपकी turn होगी और आपको start करना है। This is the most important thing that you need to understand. और अगर आपको इसमें further कोई भी आपकी कोई query है या आप further इसके बारे में परेशान हैं, तो in our upcoming video जो कि पूरा demo होगा language cert का part 1, part 2, part 3 and part 4 का, उसमें आप part 2 देख के इसको further clarify भी कर सकते। This is for your assistance. आप next video में भी देख सकते। Okay. पार्ट थ्री में बेसिकली हमें ऑप्शंस आते हैं आपके और मेरे बीच। फॉर एग्जांपल मैं एग्जामिनर हूँ, आप वो कैंडिडेट हो जो एग्जाम के लिए अपेयर हो रहे हो, हम दोनों के बीच में एक स्क्रीन होगी और आपकी स्क्रीन और मेरी स्क्रीन पर सेम ऑप्शंस आ रहे होंगे, ठीक है। और हमने क्या करना है, सिंपल, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत पैनिक करते हैं, हमने सिर्फ उन ऑप्शंस को डिस्कस करना है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक स्क्रीन है, आपके पास एक स्क्रीन है, और उसके ऊपर कैली की 50th बर्थडे पार्टी का ऑप्शन आ रहा है, उसके ऑप्शंस आ रहे हैं। पार्टी में हम इतने लोगों को बुला लेते हैं, पार्टी में हम ऐसा कर लेते हैं, पार्टी में हम उसके रिश्तेदारों को बुला लेते हैं, पार्टी में उसको गिफ्ट क्या देना है, हम उसको उसकी बर्थडे पे गिफ्ट ये दे देते हैं। सो ऑल ऑफ दीस सिचुएशंस वन बाय वन ऑप्शन करके आपने बस एग्जामिनर के साथ डिस्कस करना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन ये होता है कि मैम जो शीट होगी क्या वो हमारे स्क्रीन पे शो होती रहेगी या वो रिमूव कर दी जाएगी, तो इस बारे में उस्मान क्या आप कहोगे? वेल दैट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द एग्जाम। आप B2 दे रहे हो, आप जो टाइप का एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। यस, लेकिन आपको एक बात मेक श्योर ये करनी है कि पार्ट थ्री में आपकी स्क्रीन पे ऑप्शंस आएंगे और आपने डिस्कशन करना है अपने एग्जामिनर के साथ, इन शॉर्ट, राइट। नाउ पार्ट फोर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, आई डोंट नो वेदर यू विल एग्री और नॉट, या स्टूडेंट्स व्यूअर्स एग्री करते हैं या नहीं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ये सबसे ज्यादा इजी पार्ट होता है एग्जाम का, क्योंकि आपको कोई भी रैंडम टॉपिक दे दिया जाता है और आपने उस रैंडम टॉपिक पे टोटल ऑफ 2 मिनट्स तक आपने बोलना है। एक बात अपने व्यूअर्स को मैं बताता चलूं कि आपके पास एक पीस ऑफ पेपर जो दोनों साइड से बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, अगर लाइंस वाला पेपर है तो भी ठीक है, लेकिन दोनों तरफ से कुछ उसके ऊपर लिखा नहीं होना चाहिए, और आपके पास एक पेन होना चाहिए। ये दो चीजें एग्जामिनर जो होता है वो आपको अलाउ करता है अपने पास रखने के लिए, और एग्जामिनेशन के शुरू में भी चेक किया जाता है कि आपके पास ये चीजें हैं या नहीं। उसके ऊपर जब आपको टॉपिक दे देते हैं रैंडम, ठीक है, आपने 2 मिनट तक बोलना है उसके ऊपर, और आप चाहो तो आपकी असिस्टेंस के लिए आपके पास जो पेपर और पेंसिल, आप उसके ऊपर पॉइंट्स बना सकते हो। उसी टॉपिक के ऊपर आपने अपने पॉइंटर्स बना लेने, और अगर आप चाहो तो उन पॉइंटर्स की हेल्प से आपने 2 मिनट की कन्वर्सेशन, यानी कि 2 मिनट की कन्वर्सेशन, सॉरी 2 मिनट तक आपने उस टॉपिक के ऊपर बोलना है, कंटिन्यूअस 2 मिनट्स तक यू शुड स्पीक ऑन द टॉपिक। सो दैट विल बी द पार्ट 4 ऑफ द एग्जाम। ओके, तो अब हम लोग जो बाकी का पार्ट है वो डिस्कस करते हैं, मरवा डूज एंड डोंट्स। ओके सो अभी हम लोग बात करेंगे रूम एनवायरनमेंट के बारे में कि किस तरह के रूम में आपको जो है वो अपने लैंग्वेज और स्पीकिंग पार्ट के लिए अपेयर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका जो रूम है वो ऑक्यूपाइड ना हो, आपके रूम में एक ही विंडो हो और एक ही दरवाजा हो, जो आपके लैपटॉप का कैमरा है इट मस्ट बी फेसिंग द डोर, मतलब कि आपके लैपटॉप के कैमरा से ये नजर आना चाहिए कि दरवाजे के अंदर कोई आ तो नहीं रहा या कोई जा तो नहीं रहा। जरूरी है कि उनको ये श्योर हो कि कमरे में आप अकेले हैं, आपके रूम में कोई इस तरह का विंटेज पीस या कुछ भी ऐसा ना पड़ा हो जिसकी वजह से उन्हें ये डाउट जाए कि आप चीटिंग कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स की, जिसमें हम लोग आप लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह की रूम कंडीशन में आपको जो है वो लैंग्वेज और स्पीकिंग पार्ट के लिए अपेयर होना चाहिए। आपके रूम में एक ही विंडो होनी चाहिए और एक ही दरवाजा होना चाहिए, और आपका कैमरा जो है इट मस्ट बी फेसिंग द डोर, उस कैमरा से नजर आना चाहिए कि क्या आपके रूम में कोई एंटर हो रहा है या नहीं हो रहा, ताकि आप पर कोई चीटिंग का जो है वो अटेम्प्ट ऑफ चीटिंग का एलिगेशन ना लगे और आपका जो लैंग्वेज और स्पीकिंग है वो रिव्यू में ना जाए, बिकॉज ऐसा भी होता है। और आपके रूम में कुछ भी ऐसा मौजूद नहीं होना चाहिए जिससे ये डाउट जाए दैट यू आर चीटिंग या यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट फॉर चीटिंग। एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी मरवा, आई ऐड समथिंग, कि आपके रूम का सिर्फ एक डोर होना चाहिए, एक डोर होना चाहिए। अगर आपके रूम कोई ऐसा है कि जिसके अंदर 2 डोर्स हैं, तो वो आपको नहीं परमिशन देंगे, परमिट करेंगे कि आप उस रूम में एग्जाम दें, इट शुड हैव ओनली 1 डोर, आपको ये बात। Also, you must have your passport and identification card with you during your language or speaking part.
मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स, आप मरवा मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने बैठे होते हैं, कम टू अस हमें बताते हैं कि हमारा एग्जाम नहीं हुआ क्योंकि वो अपना पासपोर्ट ही रखना भूल गए. पहली प्रायोरिटी आपका पासपोर्ट होनी चाहिए. इफ यू डोंट हैव दैट, इन केस आप एग्जाम दे रहे हो और आपके पास नहीं योर आइडेंटिटी कार्ड, वो भी चल जाएगा. लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि दोनों में से कोई एक चीज आपके पास होनी चाहिए. ओके, और हम इनको ये भी बताते चल रहे हैं कि आपने एक चीज और मेक श्योर करनी है कि आपका सेल फोन आपके पास होना चाहिए. क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आपके पास आपका सेल फोन है. वो आपको कहते हैं कि आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में अपना सेल फोन दिखाना है और वो चेक करते हैं कि आप इसको वाइब्रेट मोड पे करके और वो आपको कहते हैं कि आप इसको किसी ऐसे डिस्टेंस पे रखो कि हमें कैमरे में नजर आना चाहिए कि आप हमारे सामने उठ के, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से उठ के अगर मैं अपना सेल फोन इधर पीछे कहीं रखता हूं तो उनको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि आपने डिस्टेंस पे अपना सेल फोन रखा है. मेक श्योर कि आपका सेल फोन आपके पास होता है, वो वाइब्रेट मोड पे होता है और साइलेंट मोड पे होता है, एक्सट्रीमली सॉरी. और ये कि जब वो आपको एग्जामिनर गाइड करेगा कि आपने उठ के अपना सेल फोन कहीं दूर रखना है तो ये आपको इंस्टेंटली पता होना चाहिए कि आपने सेल फोन दिखाया और आपने जाके कहीं डिस्टेंस पे अपना सेल फोन प्लेस कर दिया. और आपको एक चीज और मैं मरवा स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर जब वो आपको आपका आइडेंटिफिकेशन दिखाने को बोलता है, फॉर एग्जांपल एग्जामिनर आपको ये बोल रहा है कि अपना पासपोर्ट दिखाएं, आपने सिंपली अपना पासपोर्ट कैमरे में उसको दिखा देना, वो आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ और ये सारी डिटेल्स चेक करते हैं. समटाइम्स दिस मे बी द केस के आपकी रूम की लाइट ऐसी होती है आइदर टू डल या टू ब्राइट कि उनको नजर नहीं आ रहा होता, तो दे सिंपली आस्क यू टू अगेन कि आप अपना सेल फोन लो, उसमें से पिक्चर लेनी पड़ती है आपको अपने आइडेंटिटी की, चाहे आईडी कार्ड हो चाहे पासपोर्ट हो, और फिर आपने सिंपली अपनी स्क्रीन को जूम करके वो आपने अपनी नेम या डेट ऑफ बर्थ कैमरे की तरफ फेस करके एग्जामिनर को दिखा देना. यस, एंड पेपर और पेंसिल का हम पहले ही बता चुके हैं कि यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेंसिल विद यू, जो कि एलआरडब्ल्यू के एग्जाम में नहीं अलाउड है, ओनली फॉर द स्पीकिंग पार्ट. LRW से लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग के मॉड्यूल्स में आप पेपर नहीं रख सकते. एक और चीज़ ओनली फॉर द स्पीकिंग पार्ट, कि वो आपको पेपर फ्लिप करने के लिए भी दिखाने के लिए कहेंगे. फ्लिप करने का मतलब है कि आपको दोनों साइड से अपना पेपर उनको शो करवाना है कि आपका पेपर पे कुछ लिखा हुआ तो नहीं है ऑलरेडी पहले से. तो अगर वो आपको अपना पेपर फ्लिप करके दिखाने के लिए कहे तो आपने उसको फोल्ड नहीं करना. ये स्टूडेंट्स गलती करते हैं, फोल्ड कर देते हैं. आपने फोल्ड नहीं करना, आपने उसको फ्लिप करके दिखाना है. सिंपली होल्ड द पेपर आगे से फ्रॉम द बैक साइड. एग्जैक्टली, यस. एंड वन मोर थिंग, एट द एंड ऑफ द एग्जाम बहुत ज्यादा मेजर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, चाहे वो घबरा के करें या वट एवर द सिनेरियो में भी, आखिर में जाके बिल्कुल अपना एग्जाम डिस्ट्रॉय कर लेते हैं. और वो क्या गलती होती है कि एग्जामिनर आपको बोल रहा होता है आपने एक जो पीस ऑफ पेपर है आपने ऐसे कैमरे के सामने पकड़ के उसको टीयर डाउन करने को कहते हैं. टीयर इंटू पीसेज, यानी कि वो आपको ये कह रहा होता है कि पेपर को टुकड़ा टुकड़ा कर दें, पेपर को अपने टुकड़ों में फाड़ देना है. लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो शीट ऐसे एग्जामिनर को दिखाते हैं दोनों तरफ से और वो फिर शीट को रख देते हैं. एग्जामिनर फिर कहता है, एज पर जो हमें स्टूडेंट्स आके बताते हैं, एग्जामिनर फिर कहता है कि मैं आपको कह रहा हूं कि प्लीज आप अपनी शीट को फाड़ दें टुकड़ों में. बच्चे फिर क्या करते हैं, वो फिर शीट दिखाते हैं. सो दैट एट द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन बहुत गंदा इंप्रेशन पड़ जाता है कि इसको इतनी सी बेसिक बात नहीं समझ आई और वो अपना एग्जाम खत्म भी वक्त तक नहीं कर सकते मरवा, जब तक वो आपसे शीट एक तरह से उसको पीसेस में नहीं आप फाड़ोगे तो आपका एग्जाम नहीं खत्म होगा. तो ये भी आप लोगों ने बात मेक श्योर करनी है कि उस पीस ऑफ पेपर को आप लोगों ने आखिर में पीसेस में फाड़ना है एग्जामिनर के सामने कैमरे पे. सो दीज आर सम ऑफ द टिप्स एंड द ट्रिक्स दैट वी हमने जो हमें लगा कि आपको पता होनी चाहिए इनकेस आपका लैंग्वेज सर्ट का एग्जाम बहुत अच्छा हो. एंड फॉर द क्लियरेंस आप हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें जिसके अंदर हम लोग आपको एक लैंग्वेज सर्ट का पूरा डेमो देंगे चारों पार्ट का, कि एग्जामिनर किस तरह आपके सामने अपेयर होता है, क्या क्वेश्चंस करता है और आपको किस तरह उसको आंसर करना चाहिए. सो आई थिंक दैट इज इट फॉर नाउ. विशिंग यू अ वेरी गुड डे अहेड एंड आई होप कि आप हमारी आगे फर्दर वीडियोस को देखेंगे और हम आपके लिए लैंग्वेज सेट में आपके लिए बहुत ज्यादा असिस्टेंस प्रोवाइड कर सके. दिस इज मी उस्मान अशरफ एंड मरवा यासीन सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द एडिफाई ग्रुप ऑफ कंपनीज. अगर आप हमारे को और ज्यादा हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं, आने वाला कंटेंट देखना चाहते हैं, सो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ऑन आवर यूट्यूब पेज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.